इंदौर को अगर एक मॉडल के तौर पर देखें तो यहाँ के रियल एस्टेट ट्रेंड में आपके हिसाब से इन जनरल क्या बदलाव आ रहा है, कैसे बदल रहा है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अपडेट हो रहा है इंदौर का। इंदौर में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जो मेट्रो आ रही है उसके कारण बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंदौर के रियल एस्टेट में। और ये जहाँ जहाँ भी मेट्रो आई है, जिस जिस सिटी में भी आई है, वहाँ वो चेंज देखने को मिला है। और ये जो कोवर्किंग स्पेसेस है, कॉरपोरेट्स है, ये सब आना शुरू कर दिया है। मतलब TCS, इन्फोसिस ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज तो आई गई। और यहाँ पे क्या है कि Tier 3 सिटीज के लोग भी इंदौर में सेटल हो रहे हैं। जो व्यक्ति आज, जैसे इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ IIT, IIM दोनों हैं, और भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सिम्बायसिस है, नासी मुंगी है। तो ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं कि यार मैं घर से इतना दूर तो आ गया, लेकिन अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जाने की बजाय मैं यहीं सेटल हो जाता हूँ। मेरा घर यहाँ 200-300 किलोमीटर के रेडियस में।